कर्म इंद्रियों से कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। इन बातों में सबसे कम मेहनत है कुमारियों को। अगर कुमारी जीवन चल रहा है तो क्योंकि कुमारियों के जीवन में इतना संबंध नहीं जुटता है, शादी के बाद तो बहुत ही संबंध के बंधन बढ़ जाते हैं। फिर जिन जिन रिश्ते नातों से संबंध जुड़ते हैं उनकी याद बड़ी मुश्किल से टूटती है। विकार में गिरते गए तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। ये शरीर रूपी बेड़ा है, आत्मा गड्ढे में जाती है तो शरीर भी जैसे गड्ढे में चला जाता है। फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। शादी होने के बाद कुमारियों के लिए भी पति ही सब कुछ हो जाता है। तब तो पति के मरने पर या हुसैन करते रहते हैं। तुम लोग कह सकती हो कि हमारी सगाई अथवा शादी तो शिव बाबा के साथ हुई है, परंतु ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि दुनिया जानती है हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं। तो उल्टा समझने लग पड़ेंगे, कहेंगे जब तुम्हारा बाबा है तो फिर बाबा से सगाई की जाती है क्या? तुम्हारी बातों को तो कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम बाप के बने हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो कहने लग पड़ेंगे कि शिव बाबा फिर उनसे सगाई कहेगी। इसलिए हर एक अक्षर बहुत ही ज्ञान युक्त निकालना है। ऐसे वैसे अक्षर मुंह से नहीं निकलने चाहिए। इसलिए हर एक बात बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मूल बात है अपना रोज पोता मिल देखो। व्यापारी लोग भी रोज का अपना पोता मिल निकालते हैं ना। ये बाबा भी रोज का पोता मिल निकालते थे। झट मालूम पड़ जाता था आज इतना फायदा हुआ। तो तुम भी रोज अपना पोता मिल निकालो तो फिर तुमको मालूम पड़ता रहेगा कितना नुकसान हुआ। तो जिस काम से तुम्हारा नुकसान होता है वो
करेंगे ही नहीं। परंतु बच्चे पोथा में लिखते लिखते थक जाते हैं, पोथा में रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं पोता मेल न रखने से फिर और ही जास्ती भूले करते रहेंगे, बहुत भूले करते हैं। पोता मेल रखते रहेंगे तो डर रहेगा, मालूम पड़ता रहेगा कि इस हिसाब से हमारा मर्तबा बहुत कम हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते रहे, गलतियां भी करते रहे, मर्तबा नीचा होता रहा तो फायदा ही क्या, और ही नुकसान हो जाता है। और पोता मेल बाबा को तो सुनाई देवे, बाबा आज हमसे ये फायदा हुआ और ये नुकसान हुआ। परंतु बाबा के सामने भी अगर झूठ बोलते रहेंगे तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाएगा। न सुनाने से भी भूले हैं, वृद्धि को पाती रहती है। अपने अंदर से भी पूछ सकते हो हमने क्या क्या विकर्म किए। इस बाबा को तो अपनी जीवन कहानी बचपन से याद है, अभी तो बाबा ने हमको कितनी समझ दे दी है। तो कहते हैं कि सुनाने से बाप भी समझावेंगे ऐसे ऐसे होता है। सर्जन इंजेक्शन लगाते हैं, राय देंगे, सुनाने से तुम्हारी बहुत हल्काई हो जाएगी, बाबा तुमको ट्रस्टी बना देते हैं। और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमारा तो इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, हमको तो अब देही अभिमानी बनना है। इस दुनिया में तो हमारी अब कोई मिल्कियत नहीं रही, क्योंकि देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे ममत्व तोड़ना है। कोई में अगर प्यार हो जाता है तो वो भी जैसे की मिल्कियत हो जाती है। वो सब बातें भी छोड़ देनी चाहिए। जानते हो कि पतित शरीर से लव नहीं रखना है, अभी हमारी आत्मा प्योर बन रही है और पवित्र बनते बनते अगर पतित शरीर से लव हो जाएगा तो और ही नुकसान कर लेते हो। कोई के भी पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। वो भी देहवान बढ़ जाता है, इसलिए अनासक्त होकर के रहना चाहिए। सच्चा प्यार तो एक से ही करना है, बाकी सब से अनासक्त रहना है। बाल गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चे आदि भी हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति की निशानी है कि बुद्धि में बार बार वही याद आता रहेगा। तुम जानते हो कि इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है।
दुनिया ही विनाशी है, सारी दुनिया का विनाश होना है तो इनसे लव क्यों लगा मैं। बाबा तो बच्चों को रोज समझाती रहती कि ममत्व तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए, एक में ही सारा प्यार गिरता रहे, बाकी नाम मात्र। कार्य व्यवहार निभाना है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।